चैत्यभूमि में जब मुंबई में शिफ्ट हुआ तो मैं रेगुलरली विजिट करता था 6 दिसंबर को, और तभी मुझे लगा कि ये स्टोरी बताना चाहिए, क्योंकि क्या है जब भी दलितों के स्टोरीज बताए जाते हैं वो हमेशा विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है, मतलब एट्रोसिटी, ये यू नो जो नॉन दलित है उनका फेवरेट टॉपिक है, और वायलेंस। तो मुझे लगा कि ये जो कल्चरल हो रहा है, असर्शन हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, उसको सामने लाना बहुत जरूरी है, और मैंने वो फिल्म किया। बहुत दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक विचार हैं, एक भावना है, और उस भावना, उस विचार से जुड़े लाखों लोग लगातार उस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सोमनाथ वाघमारे, जिन्होंने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है चैत्यभूमि। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वो 26 अलीपुर रोड है, और इसी 26 अलीपुर रोड पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली थी, और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई ले जाया गया था, उनके शरीर को जहाँ चैत्यभूमि पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। सोमनाथ वाघमारे एक जाने माने डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, आई एम नॉट ए विच और द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के लिए जाने जाते हैं। चैत्यभूमि पे फिल्म लेके आए आप, जहाँ हम खड़े हैं यहीं बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी सोमनाथ जी, फिर यहाँ से चैत्यभूमि ले जाया गया था। यस यस यस, और चैत्यभूमि डॉक्यूमेंट्री बनाई आप। यस, क्यों इस फिल्म का विचार आया डॉक्यूमेंट्री बनाने? एक्चुअली मैं पिछले ऑलमोस्ट, ये मेरा 9th ईयर है, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के गांव से हूँ, बट पिछले कुछ सालों से मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं पीएचडी भी करता हूँ टाटा इंस्टीट्यूट में, एंड मैं महाराष्ट्र के अम्बेडकरी समुदाय से आता हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने मीडिया किया है, मास्टर्स किया है, तभी मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी जो स्टोरीज है, हमारे जो समाज की जो स्टोरीज है वो मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं है, और तभी मुझे लगा कि हमको खुद आके फिल्में बनानी चाहिए। तो मैंने फिल्म प्रैक्टिस करना शुरू किया। हमारे पास रिसोर्स तो कुछ नहीं है, मेरे फैमिली से कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, या कोई बिजनेस में नहीं है, या हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्री फील्ड काफ़ी चैलेंजिंग है, जिनके पास क्लास का प्रिविलेज है वही लोग इस फील्ड में हैं, और मैंने इसी रीज़न की वजह से कि हमारी स्टोरीज नहीं है मेनस्ट्रीम में, इसीलिए आपने बनाना शुरू किया। ओके, ये जो फिल्म है चैत्यभूमि डॉक्यूमेंट्री है, मैंने इसको देखा, तमाम लोगों की बातें इसमें पूरा आपने फीचराइज किया है, जो वहाँ का माहौल है ना, लेकिन मुझे लगा उस फिल्म देखने के बाद मैं चैत्यभूमि में हूँ, मैंने उस चीज को महसूस किया है ना। इस फिल्म को बनाने का विचार क्यों है चैत्यभूमि, ये विषय क्यों चुना? एक्चुअली मैंने ये मेरा 3rd बड़ा फिल्म था, इसके पहले मैंने भीमा कोरेगांव पे फिल्म किया था, 2017 में वो रिलीज हुआ था, एंड तभी से मुझे जो हमारे अंबेडकरी समुदाय की जो स्टोरीज है वो उसमें काफ़ी दिलचस्पी थी पहले से, क्योंकि मैं उस समुदाय से हूँ, तो हर आर्टिस्ट का स्टोरी अपना पर्सनली होता है, और चैत्यभूमि में जब मुंबई में शिफ्ट हुआ तो मैं रेगुलरली विजिट करता था 6 दिसंबर को, और तभी मुझे लगा कि ये स्टोरी बताना चाहिए, क्योंकि क्या है जब भी दलितों के स्टोरीज बताए जाते हैं वो हमेशा विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है, मतलब एट्रोसिटी, ये यू नो जो नॉन दलित है उनका फेवरेट टॉपिक है, और वायलेंस। तो मुझे लगा कि ये जो कल्चरल हो रहा है, असर्शन हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, उसको सामने लाना बहुत जरूरी है, और मैंने वो फिल्म किया। बहुत ही लो बजट फिल्म है, 4 साल लगे उसके लिए, और पिछले 3 महीने मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 3 महीने अलग अलग कंट्री गया, मैं उसी आने वाला था, लगातार हर जगह स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप, लगातार सोशल मीडिया पे फॉलो करते हुए मैंने देखा कि US में थे आप, और कहाँ कहाँ, कैसा रहा वहाँ पे लोगों का रिएक्शन? चैत्यभूमि का जो पहला स्क्रीनिंग है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ था, और उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है वहाँ पे हुआ था, उसी टाइम में लंदन के आजू बाजू में जो यूनिवर्सिटी है, इवन वहाँ के जो अंबेडकर आए थे उन्होंने भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग किया था। उसके बाद मैं US गया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो अंबेडकर इनिशिएटिव नाम का सेंटर है, जिसको प्रोफेसर अनुपमा राव लीड करती है,
वहाँ पे इसका स्क्रीनिंग हुआ था 3 दिसंबर को और 6 दिसंबर को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग हुआ था। उसके बाद लास्ट मंथ जनवरी के 14 में जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन, वहाँ पे उसका एक्चुअली उस पर सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो हर 2 साल में होता है और वो इंडिया से 5 फिल्म मेकर्स को इन्वाइट करते हैं। तो वहाँ पे उसका स्क्रीनिंग हुआ और इंडिया में भी अलग अलग जगह पे स्क्रीनिंग हुआ, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है कि ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट माने इसको, क्योंकि वो चुना गया। बट सी ना, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मतलब आप अगर शेड्यूल कास्ट से है तो आपका 10 साल लगते हैं ऐसा रिकॉग्निशन मिलने के लिए। अगर मैं कोई प्रिविलेज कम्युनिटी से होता है, इवन प्रिविलेज फैमिली से होता, तो मेरा पहला फिल्म ही ग्लोबली स्क्रीन किया होता। सही बात। तो आपको 10 साल किसी अपर कास्ट ने इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई होती तो शायद उसको बहुत ज्यादा अवार्ड मिल चुके होते हैं वर्तमान से, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क काम करता है। यू नो, सारे जो सिनेमा का वर्ल्ड है वो एक नेटवर्क है और वो कास्ट का ही नेटवर्क है जो उनके लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, उनके एकेडमिशियन प्रमोट करते हैं, उनके जर्नलिस्ट प्रमोट करते हैं, उनके जो फिल्म सर्किट में लोग हैं वो प्रमोट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हमको 10 साल मिट्टी में डालने पड़ते हैं तभी आप अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। लोगों को जस्ट आपका सक्सेस दिखता है, लोगों को आपका स्ट्रगल नहीं दिखता है। नो डाउट कि जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग कहीं पहुंचते हैं तो एक लंबा स्ट्रगल सबके पीछे होता है, सबकी कहानी ऑलमोस्ट वही है। इस फिल्म को बनाने में कितना टाइम लगा, कहाँ कहाँ शूट? तो मुझे लगता है कि मुंबई और चैत्यभूमि के आसपास ही हुआ। एक्चुअली यू नो, एक तो मैं बिना प्रिविलेज के फैमिली से आया हूँ, ये पूरा फिल्म जो है बहुत लो बजट फिल्म है। इसका ऐसा कोई खास प्रोड्यूसर नहीं है कि ऐसा बोल सकते कि ये 1 पर्सन प्रोड्यूसर है। ओके, तो ये बहुत ही लाइक कम्युनिटी से ही कुछ लोगों ने पैसे दे के बनाया हुआ स्मॉल बजट प्रोजेक्ट। इसको 4 साल लगे थे टोटल, और 4 साल से 4 साल तक लगातार आप चैत्यभूमि जाते रहे लगातार। एक्चुअली मैंने वहाँ पे जो इवेंट होता है वो 1 तारीख से 6 तारीख तक होता है, बट उसके बाद मैंने 3 साल कंटिन्यूली वो रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद मैं अलग अलग लोगों से मिलता गया, पुराने रिकॉर्ड ढूंढ रहा था, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये फिल्म अक्टूबर में कंप्लीट हुआ था लास्ट, और अक्टूबर में ही LSC में स्क्रीन हुआ था। और उसका मुझे लाइक मुझे खुद के काम का थोड़ा ठीक है लगा कि जहाँ पे बाबा साहब ने पढ़ाई किया था उस दोनों यूनिवर्सिटी में इसका स्क्रीनिंग हुआ, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी थी। एक फिल्म जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग जगहों पे आजकल काफी हो रहे हैं, वहाँ पे तमाम फिल्में जाती हैं, नई फिल्में उनको बुलाया जाता है, वहाँ तक पहुँची क्या फिल्म आपकी कोई? अभी तो हम यूनिवर्सिटी सर्किट में और कम्युनिटी सर्किट में ही स्क्रीन कर रहे हैं। एक्चुअली ये चैत्यभूमि का थोड़ा मिसमैच हुआ क्योंकि ये LSC में स्क्रीन हुई, नहीं तो चैत्यभूमि बर्लिन में स्क्रीन होती। हाँ, बट उसके लिए मुझे 6 महीना रुकना पड़ता। बट अभी हम फिल्म सर्किट में कुछ फिल्म क्यूरेटर है, कुछ फ्रेंड्स है, वो हेल्प कर रहे हैं और फिल्म फेस्टिवल्स में भी इसको लेके जा रहे हैं। आपने कहा कि कोई एक प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत अलग अलग टुकड़ों में लोग आए जिन्होंने सपोर्ट किया। इस तरह के जब काम होते हैं और हम जैसे लोग करते हैं जो एक बिल्कुल प्लेन सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, समाज ने कितना सपोर्ट किया आप? मुझे लगता है मैं अंबेडकराइट मूवमेंट का ही प्रोडक्ट हूँ। ओके मेरे पेरेंट्स के पास कोई ऐसा खास प्रिविलेज नहीं है, मतलब रिसोर्स ही नहीं है और ये एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अभी हम हमारे पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि उनके पास ऑब्वियसली क्यों नहीं, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और मुझे हमेशा जो अंबेडकराइट सर्किट के लोग हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मुझे, मैं कल भी JNU में बोला कि मेरा मतलब ये सारे शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आगे जा रहे हैं उनको पे बैक सोसाइटी करना, ये मेरे, मैंने जो पढ़ाई किया उसी का मैं पे बैक सोसाइटी कर रहा हूँ अलग फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में। आपके और भी 2 प्रोजेक्ट आई एम नॉट ए विच और द बैटल भीमा कोरेगांव, उसके बारे में बताएं। आई एम नॉट विच, कब से शुरू किया आपने ये जर्नी? आपने कब से शुरू? एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने मेरे गांव में रह के किया था। ओके, कौन सा गांव है आपका? सांगली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जो कर्नाटक बॉर्डर के पास है, और कोल्हापुर नाम का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, जो शाहू महाराज का जो स्टेट था, ओल्ड स्टेट, उसी का पार्ट था। तो मैं वहाँ से हूँ, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ पे किया था। उसके बाद मैं पुणे चला गया था, पुणे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया मीडिया में, तभी मेरा एक्चुअली ये सिनेमा और मीडिया का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा।
फिर मैंने FTI में कुछ समय के लिए काम किया था कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का, और मैं तभी से फिल्में बनाना शुरू किया। डॉक्यूमेंट्री इसलिए चुना कि डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सस्ता है, ओके, फिक्शन की तरफ नहीं गया अभी तक, शायद फ्यूचर में जा सकता हूँ, बट फिक्शन बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्री आप अकेले जाके एक दो लोग शूट कर सकते हैं। आई एम नॉट विथ 2016 में की थी, उसी के बाद मैंने भीमा कोरेगांव पे एक डॉक्यूमेंट्री की थी, और उसके बाद हमने एक प्रोडक्शन शुरू किया है, उसका नाम है बेगमपुरा प्रोडक्शंस। उसके थ्रू हमने 3 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट्री सागर साखरे नाम का एक मुंबई से है, उन्होंने डायरेक्ट किया, और उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मैंने बीच में, मतलब चैतुमी का बीच में भी मैंने एक 2 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। एंड गेल ओमवेट का एक प्रोजेक्ट है जो मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ, वो चैत्य भूमि के बाद मैं उसको ले रहा हूँ, एडिटिंग को ले रहा हूँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है गेल एंड भारत। ओके हाँ, अपकमिंग, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके। इसके अलावा एक और था मैंने देखा है आपके वेबसाइट पे। नो, गेल ओमवेट का ही अपकमिंग प्रोजेक्ट। ये इसके बाद नेक्स्ट वो है या बार रंजीत से सपोर्ट मिला, उनका नाम है इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ, उनसे कैसे मुलाकात थी, कैसे बात? एक्चुअली यू नो, ये बहुत ही लाइक मीडिया, एक्चुअली नीलम प्रोडक्शन इसका प्रोड्यूसर नहीं है, ओके, वो प्रेजेंटर है। प्रेजेंटर है, शायद आपने लिखा है कि प्रेजेंटर है, मतलब आई डोंट नो, शायद लोगों का एजुकेशन उतना नहीं हुआ है, मीडिया एजुकेशन, तो वो उन्होंने लिखना शुरू किया है कि वो प्रोड्यूसर है, बट या उनकी वजह से काफ़ी ये प्रोजेक्ट पब्लिक डोमेन में आने के लिए हेल्प हुआ। मैं उनका काम जानता हूँ पहले से, तो मैंने उनको अप्रोच किया एंड वो प्रेजेंटर बनने के लिए नीलम प्रोडक्शन रेडी हुआ, और या उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी लोगों तक गया। अभी तमाम नाम दिखने लगे हैं, लाइक पारंजीत हो गए, नागराज मंजुले हो गए, इस तरीके के कुछ नाम सामने आने लगे हैं जो अभी एस्टैब्लिश हो गए हैं, और इन्होंने फिल्में भी उस तरीके से बनाई है, कमर्शियल फिल्में जो हिट रही है, पैसे कमाए हैं इन्होंने, और कहीं ना कहीं अपने इशू को टच करते हुए फिल्में भी बनाई हैं, चाहे फ्रेंडी हो, चाहे काला हो, कबाली हो। आप क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर, किस तरीके से, मतलब फिक्शन में? हाँ, फिक्शन में पता नहीं है सर, मतलब प्रॉब्लम ये है कि रंजीत जहाँ से काम करते हो तमिलनाडु से काम करते हैं, थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे द्रविडियन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मुंबई में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। मुंबई का जो इंडस्ट्री है और प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो हमारे जैसे जो पॉलिटिकली वोकल दलित्स हैं उनके प्रोजेक्ट को वो कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको कितना एक्नोलेज करेंगे, वो मेरे को अभी तक पता नहीं है, मतलब वो अंदाजा नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी तो इंटरनेशनल, मतलब ऐसा थोड़ी कि मुंबई का प्रोडक्शन हाउस पे भी हम डिपेंड है, हम बाहर जाएंगे इंटरनेशनल। बिल्कुल, इंटरनेशनल की बात की आपने, एक चैत्यभूमि पे फिल्म बनी, भारत के लोगों ने देखा और एक बाहर के लोगों ने देखा, उनका रिएक्शन क्या था जो बहुत ज्यादा नहीं जानते मैं को, एक बात को। बताता हूँ, अभी दुनिया भर में आप भी तो अब दुनिया में घूम के आए हैं, दुनिया में ना लोग बाबा साहब को लेके बहुत इंटरेस्टेड है, और कास्ट का इशू अभी ग्लोबल इशू हुआ है, मतलब जैसे वो एवा का फिल्म है, ओरिजिनल मैंने देखा है, मैं उसका स्टोरी नहीं आपको बताऊंगा, बट काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, एंड पहली बार जाति का मुद्दा किसी अमेरिकन ब्लैक फिल्म मेकर ने उसके फिल्म में आया है, वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। तो अभी दुनिया भर में लोग कास्ट को लेके बहुत रिसर्च चल रहा है, और उस और बाबा साहब को लेके भी लोग बहुत क्यूरियस है, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्या बोलते हैं, अच्छा समय है, यू नो, कि हम जैसे स्टोरीज बता रहे हैं वो लोग भी टायर्ड है अभी बॉलीवुड के स्टोरीज देखने, उनको कुछ नया चाहिए, उनको कुछ नया हमारे पास बताने के लिए रियल है। यस 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 या ओके, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो इस फिल्म के बाद और कहाँ कहाँ स्क्रीनिंग होनी बाकी है इसकी? अभी तो इंडिया में ही स्क्रीनिंग होंगे, इसके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे, मैं तो लास्ट लाइक अक्टूबर से ट्रैवल ही कर रहा हूँ, तो बहुत सारे इंडिया में ही स्क्रीनिंग है, अभी हम फेस्टिवल के लिए थोड़ा अप्रोच कर रहे हैं, लाइक वो है। अच्छा, आपने कहा कि जो अपर कास्ट है उसका एक फेवरेट सब्जेक्ट है एट्रोसिटी, लेकिन आप ग्लोरी दिखाना चाहते थे, लाइक बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव या आई एम नॉट ए विच, मैंने एक एक का कि नहीं, अब मेरी पहचान ये नहीं है, है ना, लाइक चैत्यभूमि। कौन कौन से इशू हैं जिन पे लगता है कि आपको इन फ्यूचर काम करने की जरूरत है लोगों को, और काम होना चाहिए? मुझे लगता है ना, हमारे मूवमेंट के लोगों ने भी सिनेमा मीडियम को इतना सीरियसली नहीं लिया है, मतलब वो महंगा भी है, मतलब उसमें काम करना, इसलिए बहुत कम, लेकिन बहुत इफेक्टिव भी है। हाँ, बहुत इफेक्टिव है, लाइक
बहुत सारे स्टोरीज हैं, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं वो भी एक बड़ा हिस्ट्री है ना, उसपे एक समझो एक फिल्म बना, वो फिल्म बन के आता सामने तो एक अलग स्टोरी लोगों बहुत, मतलब हमारे हमारी जो स्टोरीज है ना वो सारे ग्लोबल स्टोरीज हैं, मतलब ये जस्ट इंडिया के स्टोरीज नहीं है, बहुत सारे स्टोरीज हैं जो हम बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्टोरी है, भारत के वंचितों की स्टोरी है, वो ग्लोबल स्टोरी है। और ग्लोबली तौर पर जैसे एवा डुवर्ने का आपने नाम लिया, हाँ, कि उनकी फिल्म आई, हाँ, और उसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। ये कास्ट जो इशू है, जिस तरीके से हजारों साल तक हमें दबा के रखा गया, अब वो जंजीर कहीं ना कहीं टूटने का समय आ गया है। यस यस यस, सी अभी सबको कास्ट के ऊपर अपना पोजीशन लेना पड़ेगा। ओके, ये उस एज अ सोशियोलॉजी का स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर मैं आपको बताता हूँ, कहीं से भी आप बॉर्न हो, जैसे अगर आप अमेरिका में हो तो आपको रेस के ऊपर पोजीशन लेना पड़ेगा, वैसे इंडिया के लोग किसी भी कम्युनिटी से हो उनको खड़ा होना ही पड़ेगा, कास्ट के ऊपर अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। इधर है कि उधर, या रोल मॉडल कौन है आपका? रोल मॉडल कौन है? बाबा साहेब, 100% बाबा साहेब। ओके, इन फ्यूचर सोमनाथ वाघमारे क्या बनना चाहते हैं, किस तरीके से खुद को देखना चाहते हैं? मेरा ना एक ये है, मतलब मुझे लगता है कि सोमनाथ वाघमारे हमने ना ज़्यादा इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, ये हमारे मूवमेंट का बहुत प्रॉब्लम हुआ है, कि नुकसान हुआ है, कि मुझे लगता है यू नो हमको ना कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। तो आने वाले समय में मेरा ड्रीम फ्लो प्लान यही है कि हमने इसलिए प्रोडक्शन हाउस शुरू किया कि बहुत सारे लोग आए और फिल्में बनाए, वैसे मुझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना है। मेरा ड्रीम है कि मैं मुंबई में फिल्म मेकिंग का कॉलेज शुरू करूँ, वो मेरा ड्रीम प्लान है फ्यूचर का, और उसमें लोग ट्रेन हो, चाहे वो एक साल का कोर्स हो, और वो कोर्स करने के बाद लोग फिल्में बनाए, और मोस्टली फिल्में मार्जिनल कम्युनिटी के स्टोरीज पे बनाए, और वो फिल्में हम दुनिया भर में लेके जाए। जो कहानी हमारे पास बहुत सांस्कृतिक पूंजी है, कल्चरल कैपिटल है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताना है हमें, हमारी अलग अलग पहचाने हैं, कास्ट के भीतर भी कास्ट है, ट्राइबल्स की तमाम, तो वो सामने आना चाहिए आपको, 100% आनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि उसके लिए ना एक कंस्ट्रक्टिव कुछ तो होना चाहिए, मतलब मैं एक चार साल में एक फिल्म बनाऊंगा, मुझे लगता है कि ऐसे 10 सोमनाथ तैयार होने चाहिए, फिर हमारे साल में 10 फिल्में आएंगी अलग अलग इश्यूज, तो इसके लिए हमको इंस्टीट्यूशनल काम करना बहुत जरूरी है। सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगे आप, जिनको मतलब कैमरे में देख, मैं इतना बड़ा कोई इंसान नहीं हूँ, नहीं मतलब एक आप काम कर रहे हो कल्चरल कैपिटल को सामने लाने की, तो आपको क्या यू नो जिनके पास ज्ञान देने के लिए नहीं, मैं आप जो कहना चाहते हैं वो ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, आप मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हो, यू नो जिनके पास अभी हमारे कम्युनिटी में भी एक छोटा सा सेक्शन है जिनके पास प्रिविलेज है क्लास का, बहुत छोटा सेक्शन है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ऐसे जो प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं उनको, और यू नो जिनको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्होंने भी ट्रेनिंग लेके फिल्में बनानी चाहिए और अपनी स्टोरीज बतानी चाहिए। तो चाहते हुए जो फिल्म आई है, आप भी देखिए ये लोगों के लिए कब अवेलेबल हो पाएगी? सी सर, अभी हमारे कुछ मीटिंग चल रहे हैं, मेरा तो लाइक ड्रीम प्लान ये है कि मैं 6 महीने बाद रिलीज करूँ। कहाँ रिलीज करेंगे? अभी उसका कुछ ऐसा तय नहीं हुआ नहीं है, बट जल्दी रिलीज करेंगे, मतलब 6 महीने में सामने आ जाएगा कि किसी उस पे आ रहा है, OTT पे आ रहा है, या फिर उसको कैसे रिलीज करें? यस यस, 6 महीना मतलब मैं ज्यादा टाइम तक वो, मेरा एक ये है कि ना मैं ये नॉलेज है और मैं नॉलेज को कंट्रोल करके नहीं रखना, बिल्कुल ये जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने मेरा कोई भी फिल्म ना अभी तक का मेरे सारे फिल्म मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। नहीं ये जरूरी बात, तो आपकी वेबसाइट कौन है जहाँ से आपकी पहले की फिल्में लोग देख सकते हैं? मेरा वेबसाइट अगर आप गूगल पे जाओगे तो अगर आपने सोमनाथ वाघमारे टाइप किया तो मेरा वेबसाइट आता है, मेरा वेबसाइट में एक सेक्शन है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, वहाँ पे मेरे अभी तक के सारे 5 फिल्में हैं वहाँ पे आप किस लैंग्वेज में है? मराठी में है उसको सबटाइटल्स है इंग्लिश में, या चलिए ऑल द बेस्ट सोमनाथ जी, थैंक यू। तो इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनका काम देखिए, और जिस तरीके से अब वक्त आ गया है कि अपनी पहचान को, जो पॉजिटिव पहचान है, जो हमारा पॉजिटिव आंदोलन है, उसको सामने रखने की, जैसे भीमा कोरेगांव का इतिहास हो गया, या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के अलग अलग पहलू हैं, उसको सामने रखने की अब ज़रूरत है, उन चीज़ों को सामने लेके आने की। कैमरा मैन सिद्धार्थ के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्ता।